गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं शिविका और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक नई शॉपिंग ऐप के प्रोडक्ट्स का हॉल विच इज vajio.in। तो इसमें आपको मिंत्रा के जैसे सारे क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज मिल जाएगी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन एंड कलेक्शन काफी अच्छा है और रिसेंटली इसमें बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी जिस टाइम पे मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं। बट फॉर्चुनेटली जब तक ये प्रोडक्ट्स डिलीवर हुए ना तब तक सेल जा चुकी थी, अदरवाइज मैं उसी टाइम पे ये हॉल जरूर बनाती। बट आई विश एंड होप कि सेल जल्दी ही वापस आएगी। बट अदर देन सेल जो प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग है वो काफी डिसेंट है, तो आप जरूर चेक कर सकते हो। सो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हॉल। बट बिफोर दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन इफ यू हैवंट ऑलरेडी। एंड बिफोर स्टार्टिंग द हॉल थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऐप के बारे में, द पॉजिटिव साइड एंड द नेगेटिव साइड ऑल्सो, बिकॉज नया नया ऐप है तो कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होने ही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। तो ये ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है, कलेक्शन काफी सही है एंड द वन थिंग विच आई लव्ड अबाउट द ऐप की जो प्रोडक्ट्स थे ना वो सिर्फ जीरो साइज मॉडल के ऊपर शोकेस नहीं किए हुए थे, बल्कि एक जो चबी गर्ल होती है जस्ट लाइक मी और हेवियर साइड में होती है उनके ऊपर भी ट्राई किया गया था। नॉट द प्लस साइज प्रोडक्ट बट द नॉर्मल प्रोडक्ट्स फॉर एक्सेल एंड डबल एक्सेल, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी एंड फॉर दैट आई रियली अप्रिशिएट द ऐप। अब प्रोस की तो बात हो गई, अब बात करते हैं कॉन्स की। तो जो प्रोडक्ट है आप इजीली रिटर्न कर सकते हो विद इन 7 डेज, बट यू कैन नॉट एक्सचेंज द प्रोडक्ट। तो मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन में ना प्रोडक्ट जितने ही साइज अपने मेजरमेंट करके मंगवा लो साइज की कुछ ना कुछ इशू आई जाती है किसी किसी प्रोडक्ट में। तो अगर एक्सचेंज का ऑप्शन ना होना तो बहुत इशू होता है कि आप रिटर्न करो फिर ऑर्डर करो, सेम प्राइसिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, सेम डील मिलेगी नहीं मिलेगी, वो भी एक इशू हो जाता। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हॉल। सो स्टार्टिंग द हॉल मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग वगैरह के बारे में बता देती हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग है वो मेरे को काफ़ी पसंद आई, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स डिलीवर होते हैं इस तरह के पेपर बैग में विच इज़ रिसाइकलेबल, सो आई लव दैट। एंड प्रोडक्ट पैकेजिंग की बात करूँ तो इस तरह के जिपर लॉक बैग में आते हैं जैसे अर्बैनिक की पैकेजिंग होती है ना वैसे। तो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे विद द साइजेस विच आई हैव ऑर्डर्ड, सो दैट यू नो आपको थोड़ी हेल्प हो जाए कि आपके लिए कौन सा साइज सही रहेगा। एंड सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग जो MRP है एंड जो ऑफर प्राइस है जिसमें मेरे को ये प्रोडक्ट्स मिले वो मैं स्क्रीन पे विजिबल कर दूंगी। सो या चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ना वो है ये ग्रीन फ्लोरल ड्रेस। मुझे ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लगी थी, यहाँ पे नॉट दिया हुआ है बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद डीप नेक्स आप कैमी टॉप पहन सकते हो, मैं भी वही पहनने वाली हूँ, आपको ट्राई ऑन में भी दिख रहा होगा। और जो स्लीव्स जो है वो पफ स्लीव्स है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं लगता है जब आप इसको पहनो। लाइक आई एम लिटरली सरप्राइज कि इस प्राइस में इतने कम्फर्टेबल एंड इतनी अच्छी मटेरियल के क्लोथ मेरे को मिल रहे थे एंड डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। इफ़ यू सी यहाँ पे स्लीव्स में भी नॉट दिया हुआ है, यहाँ पे और नेक लाइन पे नॉट दिया हुआ है एंड जो इलास्टिक वगैरह है उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्टिचिंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ट्राई ऑन पे आपको दिख रहा होगा मिनी ड्रेस है फ्लोरल थोड़ी समरी वाइफ की, बट विंटर्स में भी आप लेयर अप करके पहन सकते हो जैकेट वगैरह के साथ। सो मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये ब्लू मिनी स्कर्ट नहीं, ये नी लेंथ तक आता है, हाई वेस्ट स्कर्ट है और फ्लेयर्ड और यहाँ पे लेस की डिटेलिंग दी हुई है, बहुत अच्छा है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सी थ्रू नहीं है बिल्कुल भी, तो आप आराम से इसको टी शर्ट्स के साथ या किसी टॉप के साथ पेयर अप कर सकते हो, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, कंफर्टेबल है। यहाँ पे चेन दी हुई है, यहाँ पे हुक है। द ओनली थिंग आई डिड नॉट लाइक अबाउट द प्रोडक्ट इज कि ये बिल्कुल भी स्ट्रेची नहीं है फ्रॉम वेस्ट लाइन। तो मेरे को ये प्रोडक्ट का साइज सही लगा मेरे लिए, बट ये वेस्ट लाइन से मेरे को थोड़ी सी टाइट आ रही थी, तो थोड़ा सा स्ट्रेची होता ना तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाता, बट मैनेजेबल है, बट स्टिल अगर थोड़ा स्ट्रेची होता तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता। अदरवाइज मटेरियल इज़ रियली गुड और काफ़ी लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी समरी भी है और विंटर्स में भी आप स्टॉकिंग के ऊपर इसको पहनो तो काफ़ी सुंदर लगेगा। सो या दिस प्रोडक्ट वॉज ऑल्सो रियली नाइस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट और ऐसा मेरे पास कुछ था भी नहीं पहले। दिस इज़ अ कॉर्सेट शर्ट, तो आप देख सकते हो बिल्कुल कॉर्सेट वाला डिज़ाइन है, एकदम अच्छे से हर एक डिटेलिंग बहुत अच्छे से है एंड प्राइसिंग इतनी सही है ना, मतलब क्वालिटी के हिसाब से एकदम कॉटन वाली क्वालिटी है इसकी। एंड और एक चीज़ जो मेरे को सबसे अच्छी लगी कि यहाँ पे ये इलास्टिक काइंड ऑफ थिंग दिया हुआ है, सो दैट मेक्स इट स्ट्रेची फ्रॉम द वेस्ट लाइन, तो वो एक बहुत कंफर्टेबल हो जाता है एंड काफ़ी सुंदर है। फुल स्लीव्स है, बहुत स्मार्ट लगता है विथ
हाई वेस्ट जीन्स, लाइक आई एम पेयरिंग इट अप विद हाई वेस्ट जीन्स, मुझे बहुत अच्छा लगा. लाइक एवरी डिटेलिंग, यहाँ पे थोड़े से प्लीट्स हैं, यहाँ पे कॉर्सेट वाला डिज़ाइन बना हुआ है, ट्राई ऑन पे आपको दिख रहा होगा कि कितना स्मार्ट लगता है. तो मुझे ये प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा लगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना, वो है ये टॉप. ये क्रॉप टॉप है, मतलब नॉट अ प्रॉपर क्रॉप टॉप, बट आपको इसके साथ हाई वेस्ट जीन्स पहनना पड़ेगा इफ़ यू डोंट वॉन्ट यू नो योर टमी टू शो. सो ये प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है. अब इसकी स्टोरी मैं बता देती हूँ. सो इसी टॉप में मैंने देखा था व्हेन दे आर शोकेसिंग दिस टॉप ऑन अ प्लस साइज मॉडल रैदर देन अ यू नो जीरो साइज मॉडल. तो वहाँ से मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा. ऑल्दो जब ये डिलीवर हुआ ना, तो एक बार मेरे को लगा कि ये पहना हुआ कैसा लगेगा. लाइक मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम प्रॉपर वो कॉटन वाली नहीं होती, समरी वाली वैसी वाली मटेरियल क्वालिटी है. क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्रिंट भी अच्छा लगा. बट मैंने जब इसका यू नो, मुझे लगा काफ़ी लूज होगा या क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था. बट द मोमेंट आई वोर इट, आई लव्ड इट. लाइक आप ट्राई ऑन पे देख सकते हो, मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगा एंड लुक वाइज भी मुझे बहुत स्मार्ट लगा. मतलब कैजुअल वेयर के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा. सो ये प्रोडक्ट भी मेरा फेवरेट है. थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, आई विल नॉट से कि बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. सो यू माइट हैव टू वेयर कैमी बिकॉज थोड़ा सा सी थ्रू है, अदरवाइज द प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ रियली गुड. सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना, उसकी प्राइसिंग देखने के बाद मुझे उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, बट स्टिल आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक. सो मैंने ये ऑर्डर कर लिया था और ये है वो प्रोडक्ट. इतना सुंदर है ना फॉर दिस प्राइसिंग, और इतना यूनिक है. इसका जो नेकलाइन है, जब आया था मुझे लगा कि यार ये तो मैं पहन नहीं पाऊँगी, बट जब मैंने पहना आई लव्ड इट. बहुत ही एक अच्छा इसकी वजह से ना लुक आ जाता है, इवन इफ इट इज़ अ वेरी कॉमन मटेरियल, कॉटन है एंड द प्रिंट इज़ वेरी कॉमन, बट इस लुक के वजह से ये प्रोडक्ट इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे. एंड ये थोड़ा सा स्ट्रेची भी है. सो प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ रियली गुड. काफ़ी कंफर्टेबल है सारे प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि मतलब देखने में सिर्फ अच्छे हैं, क्वालिटी इज़ रियली गुड. सो यू सो जो नेक्स्ट और द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द हॉल है, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्सेप्ट वन थिंग अबाउट दैट प्रोडक्ट, वो मैं बताती हूँ. सो वो है ये रॉम्पर. अब इसकी जो बेस्ट पार्ट है मैं बताती हूँ, एक तो क्वालिटी अच्छी है, वो मैं कितनी बार बताऊँ, सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है. मटेरियल काफ़ी कंफर्टेबल है, पफ स्लीव्स है और स्लीव्स में ऐसे यू नो इलास्टिक लगा हुआ है. सो काफ़ी अच्छी है. नेक में वापस से जो फर्स्ट ड्रेस मैंने दिखाई थी ना, वैसी ही तो ये डिटेलिंग है. सो यू कैन एडजस्ट इट विद कैमी टैप इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ नेक. लाइक आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ नेक, तो मैं इसको कैमी टॉप के साथ पेयरअप करने वाली हूँ. एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि रॉम्पर्स और जंप सूट में प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि चेन पीछे की तरफ होता है. इसमें जो बेस्ट पार्ट है कि इसमें चेन यहाँ पे सामने दी हुई है, सो यू डोंट नीड टू टेक एनीवनस हेल्प टू यू नो डू योर नॉर्मल थिंग्स. और यहाँ पे एक बटन लगाया हुआ है टू सिक्योर इट. सो मुझे ये पार्ट बेस्ट लगा. नाउ द पार्ट विच आई डिड नॉट लाइक, मैंने आपको बोला, इज दैट कि यहाँ पे वेस्ट लाइन में ना ऐसा एक डिटेलिंग है, बट ये स्ट्रेची नहीं है. सो प्रॉब्लम क्या होता है ना, हर जगह से ये ड्रेस मुझे बहुत प्रॉपरली फिट आई है, बट यहाँ से इशू हो रहा है. अब अगर मैं एक साइज बड़ा मंगवा लूँ तो मेरे को लूज़ होगी बाकी साइड से, क्योंकि मेरे शोल्डर और बॉटम पार्ट सब कुछ एकदम नॉर्मल है जैसे रॉम्पर में होना चाहिए. बट ये वाला जो पार्ट है ये मेरे को थोड़ा टाइट आ रहा है, जस्ट लाइक स्कर्ट. तो यहाँ पे भी अगर शर्ट के जैसे थोड़ा सा यू नो स्ट्रेची बना देते ना, तो ये परफेक्ट हो जाता. सो दैट इज़ द ओनली नेगेटिव पार्ट आई फाउंड इन दिस प्रोडक्ट. अदरवाइज इस प्रोडक्ट में सब कुछ अच्छा है, प्रिंटिंग बोल लो, मटेरियल बोल लो, क्वालिटी बोल लो, डिटेलिंग बोल लो, मुझे सब अच्छा लगा. सो या सो गाइज, ये था मेरा वर्जियो प्रोडक्ट हॉल. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. मेरा फेवरेट था कॉर्सेट शर्ट एंड द रॉम्पर. मुझे सारे प्रोडक्ट्स एकदम सही आए एंड साइजेस भी सही थे. तो साइज चार्ट जो दिया हुआ है वो सही है, आप उसके हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो. अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, एक्सचेंज नहीं होगा. और अभी उनका नया बैग एंड ज्वेलरी कलेक्शन भी आया है, बट मुझे अभी उतना कुछ समझ नहीं आया बैग्स एंड ज्वेलरी से. आई थिंक वो लोग और ज़्यादा स्टॉकअप करेंगे, तब मैं उसमें भी हॉल ज़रूर बनाऊंगी. अभी फ़िलहाल मुझे उसमें उतना कुछ समझ नहीं आया. कपड़ों का कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसका हॉल बना दिया है. सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर इट विद योर लव्ड वंस एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, हॉल कैसा लगा, आपके फेवरेट प्रोडक्ट मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के थ्रू. एंड गिव योर लव टू मी. बाय बाय.